हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्रशर्स। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई होप कि अल्लाह पाक आपको ताकत दे कि आप सारे रोज़े पूरे आराम से रख सकें। तो आज की जो रेसिपी हम लेके आए हैं उसका नाम है पनीर चंगेज़ी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो बिना देरी किए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम ले लेंगे 250 ग्राम पनीर जिसको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे, और हमने लिए हैं 2 बड़े टमाटर जिनको हमने ब्लेंड कर लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है पोस्ता दाना जिसमें काजू बादाम मिला कर के उसको पीस लिया है। थोड़ा हमने बेसन लिया है मैरिनेशन के लिए, और हमने लिया है नमक और लाल मिर्चा, दही, ये गरम मसाला है जो घर का बना हुआ है, ये हमने लिया है कुछ हरी मिर्ची और हरा धनिया पीस के, ये है अदरक लहसुन, एक बड़ा प्याज जिसको हमने पीस लिया है, और हल्दी और धनिया पाउडर और तेल। तो चलिए अब जल्दी से मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए हम पनीर में डाल देंगे सबसे पहले हल्दी, उसको एक बार टॉस कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पोस्ता दाना और हरा मिर्चा वाला चटनी और थोड़ा सा नमक और मिर्चा, फिर उसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बेसन, फिर उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे पनीर को हम कोट कर लेंगे अच्छे से बेसन से। तो ये हमारा पनीर का मैरिनेशन जो है वो रेडी है, इसको अभी हम साइड रख देंगे। अब हम बनाएंगे हमारी ग्रेवी। तो पनीर चंगेज़ी की ग्रेवी कैसे बनाते हैं चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम पैन में तेल ले लेंगे, उसे हम गरम कर लेंगे। तेल गरम करने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मेथी दाने। जब मेथी दाना थोड़ा सा क्रैकल करने लगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ प्याज, इसको हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम इसमें सिर्फ एक चुटकी नमक डाल देंगे। उसके बाद जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगे तब हम इसमें डालेंगे हमारा गरम मसाला। हमारा घर का बना हुआ गरम मसाला है, आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाते रहेंगे वरना मसाला जल जाएगा। तो अब करीब 5 मिनट उसको भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे हरा मिर्चा हरा धनिया वाली चटनी, उसको भी अच्छे से मिक्स करके पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पोस्ता दाना काजू बादाम वाला पेस्ट, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में।
जब मसाला करीब 5 मिनट और भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा दही करीब करीब 2 से 3 चम्मच। उसके बाद हम इसको धीमी आंच पे रख देंगे पकने के लिए मसाले को। उसके बाद दूसरे पैन में जो हमने पनीर मैरिनेट करके रखा है उसे हम फ्राई कर लेंगे। पनीर को हम तब तक फ्राई करेंगे जब वो हर तरफ से उसके सारे पीसेस थोड़े से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है तो हमारा मसाला भी रेडी है और पनीर भी रेडी है। उसके बाद हम पनीर के सारे पीसेस को हमारे पनीर चंगेजी मसाले में ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से सारे पनीर को मसाले में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा उसको धीमी आंच पे पकने देंगे। और बस 5 मिनट पकाने के बाद आपका पनीर चंगेजी रेडी हो जाएगा। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आता कि वो पनीर का क्या रेसिपी बनाएं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बस आप इस पनीर चंगेजी को गर्मा गर्म सर्व करें, चाहे पराठे के साथ चाहे राइस के साथ, इंजॉय करें। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।